बिल्कुल अगले अगले दिन है बिल्कुल भाजपा 10 साल में कोनो काम है ना कुछ नहीं काम किया नहीं का आपको दिखाई नहीं दे रहा साइकिल के नशा में हमारे समझ में तो यह हाईवे रोड लौका था खाली और ना कुछ लौका था अब वो नहीं कहते नहीं है जब आप कभी भाजपा को वोटें नहीं दिए तो आपको लौकेगा कहाँ से आप बनाना चाहते हैं अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं हाँ बनाएंगे अखिलेश यादव बने तो हाँ वही से खर्चा चल जाये 5 किलो राशन से लेबू मोदी जान मोदी जान ले मोदी नौकरी लाइकन के दे दे हाँ जकर दूठ लेकर रहने हम तो मजदूरी करके ईंटा गारा दे के दोनों लाइकन का 500-1000 रुपया अथवा 1000 रुपया लगल तो फार्म भरनी लाइकन का लाइका गईने पेपर देने पेपर लीक हो गए बोला अब 1000 रुपया हमार गए ने 6 महीना बाद तो फिर करवा कहे कहे नब्बे करो न तो चुनाव अरे चुनाव चुतिया बनावत हमें अब करा क्या लगता है धर्मेंद्र यादव अब की बार निकाल लेंगे अरे भैया जीतल हमें धर्मेंद्र यादव और के ए एक मिनट चाची आप जो लड़का का बात तो अच्छा आपकी मम्मी है और कर रहे बाहर हार गए हार गए ना तो दुखी जीत जाइए ना कन्फर्म जाएंगे हाँ यार जीतल हमें तो जीत का जाइए नमस्कार इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला है और इससे पहले थे निरहुआ यहाँ के सांसद अभी अभी यहाँ पे आए थे धर्मेंद्र यादव हम यहाँ पे लोगों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि धर्मेंद्र यादव को यहाँ से आने पर कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों के बीच लोग उनका समर्थन करेंगे या फिर दिनेश लाल निरहुआ का समर्थन करेंगे हमारे साथ ये दुकानदार हैं दुकानदारों से हम राय लेने की कोशिश करें कि दुकानदार अब की बार किधर जा रहे हैं चाचा धर्मेंद्र यादव अभी आए हैं 10-15 मिनट हुआ यहाँ से गए हैं तो क्या उनके आने से माहौल कुछ बदला बिल्कुल बदला हाँ वो तो माहौल पहले से हम लोग रख चुके हैं अभी हैं अच्छा पहले से माहौल हाँ हाँ आज उनके आने से नहीं पहले से है तो यहाँ से सांसद दिनेश लाल निरहुआ 2 साल से थे कुछ काम वम आप लोगों के क्षेत्र में हुआ हमारे समझ से नहीं हुआ है भाई अब वो कहले हों तब जहाँ जानी समझ से मतलब क्या हमारे समझ में इतना कौनो काम लग कल कोई काम ही नहीं है निरहुआ तो इतने दिन से है नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से वो सांसद हैं यहाँ के ये हों हाँ। लेकिन हमारी क्या नज़र में ना हमारे काम लगकर तो कैसे कहें कि फलाने कैले हूँ जानते हैं निरहुआ सुनते हैं जानते का हम देखे जाते हैं हम तो यहीं से उठ के कतो जेबन करी देखे हैं उनको नहीं फिल्म बनाते हैं वो और जनता की सुनवाई भी करते हैं बताते हैं कि हम फिल्म बनाते हैं हाँ तो हम फिल्म नहीं देखने वाले हैं हम तो यही फिल्म देखी ला जब देखा था तुम्हारे सामने हाँ बस यही फिल्म में रही ला तो क्या कहेंगे अब की बार दिनेश लाल निरहुआ को ही चुनेंगे या फिर कोई दूसरा है विपक्ष नहीं जो कह दिया कि हम उनको सुनेंगे ना उन्हीं की सुनेंगे निरहू या क्या हो भी आवे हमारे बदले वाली इस शरीर नहीं है कहाँ है चाचा बदल तो जाते हैं बड़े बड़े नेता राजनेता मंत्री उनको राज लेना है हम राज जो लेवे देवे के रहल बनावे के रहल कुछ बना रहा है कि अब आखिरी अंतिम में है अब वहाँ का राज लेवे के हम में है और आपको राशन लेना है पैसे लेना है राशन आगे नहीं सही बताइएगा नहीं राशन पैसा तो मिलता है उसको झूठ नहीं बोलेंगे हाँ लेकिन का उस पर बेच दें हम अपने शरीर वो क्या अपने घर से देते हैं हमारे घर से जाता है हमारे घर के आवास तो शरीर थोड़ी मांग रहे हैं भाई वोट मांगेंगे ना पैसे देते हैं राशन देते हैं घर दिए हैं लेटरिन बाथरूम दिए हैं कभी नहीं हमने आप वोट बेचा था आज नहीं बेचा ये हाँ कभी का मतलब क्या है कभी बहुत से वोट दिए लेकिन क्यों हम पैसा से चाय पिया के मिठाई खिया के ना वोट लहले हैं ना हम दहले हैं ना देव हाँ यानी निरहुआ से आप नाराज हैं नहीं निरहुआ से क्या नाराज जी सबसे है तो निरहुआ को वोट देंगे कि नहीं नहीं क्यों नहीं हमारा हिस्सा वोट बेचने की नहीं है तो हम कैसे बेचें मतलब वोट थोड़ी खरीद रहे हैं वो मांग रहे हैं आपसे फिर से सांसद आपके हैं वर्तमान में और फिर से सांसद यहाँ से लड़ रहे हैं उनको टिकट दिया है भाजपा ने जिसके उनके पसंद हुई थे उन्हें दे आज के उन्हें पसंद हुई थे उन्हें दे इक्का जने पई हैं आपको कौन पसंद हमको तो वही पसंद है कौन वही जो बता चुके आपको
कहाँ बताए हैं अभी तक, आप बताए ही नहीं। अखिलेश के देव हो, अखिलेश के दही है। हाँ पिछली बार के का दे रहे हैं, उन्हीं के दे ले रहे हैं। तो फिर कैसे निरहू जीती है? ओ निरहू के वो ढमन उनका नाम देवे के रहा नहीं। तो आप आपकी बार भी धर्मेंद्र यादव यहाँ से हैं तो उन्हीं को चुनेंगे धर्मेंद्र यादव। चलिए भाई, अपना अपना विचार है, लोगों का मत है। चाचा आप बताइए, आप भी इन्हीं का लीजिए, आप भी बुजुर्ग हैं, आपको भी काफ़ी यहाँ के बारे में पता होगा, क्या आपकी होने वाला आजमगढ़ में? अरे आजमगढ़ में तो यह होवा वाला है कि हवाई अड्डा बना जाता है, सात आठ गांव जो प्रभावित होता है, खेत वो सब निकल जाता है, तो कौन प्रभाव बताओ है? धर्मेंद्र यादव को टिकट समाजवादी पार्टी ने यहाँ से दिया है निरहुआ के सामने, क्या लगता है धर्मेंद्र यादव निकल जाएंगे? अब की पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। निकलने वाली हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर सवाल की जो है, हम तो भाई उन्हीं के सपोर्टर है, अखिलेश यादव के, चाहे धर्मेंद्र यादव हो चाहे अखिलेश यादव के नाम पर। काकहिन चाची, एक मिनट रुके, काकहिन चाची, वो चोरियां करी हैं तो निकल जाई हैं। चोरी करी नहीं करी तब का के चोरियां करी? अरे ये निरहू निरहू चोरी करते हैं तब का, वो दाई धुतबाजी कह के जितना न तब का। केका देबू, केका देबे अखिलेश के देव और के देव? अखिलेश के देबू कुछ चाचो का थे ना, अखिलेश देबे नऊ का थे ना, अखिलेश सब नहीं, अखिलेश के देबू अखिलेश को कुछ दे थे तो तब का अरे ठेना भर खोहा में अवत रही है, अब चिकने चिकने अवत है, अगर भर वपक थाने जाए खोतल है फटती है, अब चक्का से जात है चक 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 देवारा में हल जाए बालनों घूमिए वहाँ कतनो धूल ना लगे वाली है। अखिलेश थे बिल्कुल, भाजपा 10 साल में कोनो काम है ना? कुछ नहीं काम किया नहीं, का आपको दिखाई नहीं दे रहा साइकिल के नशा में? हमारे समझ में तो यह हाईवे रोड लौकत है खाली और ना कुछ लौकत, अब वो नहीं के देनी है। जब आप कभी भाजपा को वोटें नहीं दिए तो आपको लौकेगा कहाँ से? कहाँ से लौकेगा? वोट माला अठवा है ये कुल, आपने देखते बता कुल। आप किधर जा रहे हैं काका? हम तो भाई हम तो पहलवा बता दिए हैं, हम तो पहलवा सूठी को देते हैं। किसको? मायावती को? नहीं मायावती ना, साइकिल को। साइकिल को बस, हम तो मायावती को। देखिए अभी अभी पलट गई नहीं, हम पलटा कि नान है। हाँ बात ठीक ठीक। हाँ मोर मार दिए धर्मेंद्र यादव को, चाहे धर्मेंद्र हो चाहे अखिलेश हो या कोई भी हो, मोर वही लोग को। आइए यहाँ एक चाचा पान कुतर रहे हैं, इनसे भी जरा हम राय ले लेते हैं, क्या हाल है चाचा जी? क्या हाल? धर्मेंद्र यादव यहाँ से लड़ रहे हैं निरहुआ के सामने और अभी अभी आए थे यहाँ पर, क्या माहौल है? माहौल तो इलेक्शन होने पर ही पता लग गया। आपका क्या माहौल है? हमारा क्या माहौल? क्या चाहते हैं कि कौन बने अब की बार सांसद? सांसद बन के क्या अखिलेश जी बैठ जाएंगे प्रधानमंत्री पर? नहीं बैठेंगे, वो तो बात सही है, लेकिन फिर भी आपके क्षेत्र में अगर कोई किसी को तो चुनना है। बात समझिएगा, इसके पहले अखिलेश जी थे तो क्या हुआ? कहें अगर बैठाएंगे तो बैठ ही जाएंगे, जनता तो सबको बैठाती है, मोदी को का वो कहीं से लेकर उतरे थोड़ी होना चाहिए ना, प्रधानमंत्री का रूप होना चाहिए। फिर तो जब सांसद बनाएंगे विधायक बनाएंगे, जब इनकी सीट ज़्यादा आएगी तब तो सांसद बनेंगे ना। पूरा 10 सीट आजमगढ़ की उन्हीं की गई है। आप बनाना चाहते हैं अखिलेश को प्रधानमंत्री? बनाना चाहते हैं? हाँ बनाएंगे अखिलेश यादव बने तो। हाँ लेकिन प्रधानमंत्री बेस पर लड़ा और क्या, कि मतलब ये है कि कांग्रेस का चले गठबंधन की बात, गठबंधन पे नहीं अपने दम पे ले आए। अपने दम पे ले लगता है कि अपने दम पे ला पाएंगे? क्यों नहीं लाएंगे? क्यों नहीं लाएंगे? पिछली बार निरहुआ हरा दिया था। अरे हम कह रहे हैं कि अगर उसके अगली बार वो भी खुद जीते थे, उसके पहले मुलायम सिंह जीते थे, अब की बार यहाँ क्या रुझान लग रहा है? रुझान चल सकता है कि निरहुए फिर आ जाएंगे? फिर वही मोदी का चुनाव है भैया, प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश का थोड़ा चुना। यहाँ यहाँ की बात कर रहे हैं, निरहुआ के सामने धर्मेंद्र यादव हैं, क्या लगता है वही आ जाएंगे या निरहुआ, या फिर अब की बार पिछली बार हार गए थे धर्मेंद्र यादव तो अब की बार निकाल फिर हार जाएंगे? हाँ दादा कह रहे हैं अब की बार धर्मेंद्र हार जाएंगे, क्या बात है? आए? वो कहा था सही में ये कहा था वो चाचा कहा हार जाएंगे यहाँ से? हाँ कहा धर्मेंद्र यादव फिर हार जाएंगे निरहुआ के सामने? अच्छा ठीक है, तू जिता लिया हम हरा ले चाचा कह रहे हैं तो आप जिता लीजिएगा हम हरा देंगे।
आप देखिए दो लोगों की बात है, इधर चाचा कह रहे हैं कि हम हरा देंगे और ये कह रहे हैं हम जिता देंगे, अब चुनाव के बाद हम आप लोगों से मिलेंगे, इधर दे आप भी तो यहीं कहीं के होंगे। हाँ यही क्या चाहते हैं अब की बार? धर्मेंद्र यादव आज आए थे, यहीं से लड़ रहे हैं, क्या लगता है धर्मेंद्र यादव अब की बार निकाल लेंगे? अरे भैया जीतल हमें धर्मेंद्र यादव और के? एक मिनट चाची, आप जो लड़का का बात तो अच्छा, आपकी मम्मी है और कर रही बाहर हार गए थे, हार गए ना तो दुखी जीत जाइए ना, कन्फर्म जाएंगे? अरे यार जीतल हम तो जीत का जाइए। चलिए धन्यवाद आपका, आइए यहाँ से। चाचा गरम मसाले बेच रहे हैं, चाचा का गरम मसाला हम बेचत है, जीरा मिर्च लवंग इलायची सब कुछ बेच, सब कुछ है। तो गरम मसाला बेचते हैं, फिर इधर माहौल भी गरमाया हुआ है। इधर माहौल कौन देखा ले, जब अपन माहौल गर्म न रहे तो नेता लोग दिए हैं। आपका माहौल गर्म नहीं है? क्या गर्म है, धंधा कम चल रहा है, बहुत डाउन है, जब कमा ही नहीं रहा जनता तो कहाँ से खाएगा, बेरोजगारी है। और रोजगारी अगर सब कमा के आते तो यहाँ लेते तो भाई, महंगाई है बेरोजगारी, बेरोजगारी महंगाई दोनों है। तो क्या लगता है धर्मेंद्र यादव आज आ गए हैं क्षेत्र में, तो पिछली बार हार गए थे, अब की बार क्या लगता है? अब की बार देखो जीतने का चांस तो है उनका, अब निरहू से उन्हीं से टक्कर बाद देखा के जीताला। हाँ इस टक्कर में आप किधर से हैं? हम अभी कोई तरफ से नहीं हैं, जब बीच में अभी है, जब वोट देखा जाएगा। बीच में लटके पड़े? हाँ जब देखल जाए जी जीता तो लोगों के फाइट में जो बीच में होता है फाइट करवाने वाला उसको निकाला जाएगा। आपको किस क्या लग रहा, मतलब जो निकलता रहेगा उसी को वोट दे दिया जाएगा, कोई भी पार्टी का हो? निरहुआ कुछ मतलब है, हमको पार्टी से नहीं मतलब, नेता अच्छा चाहिए बस। क्या दो साल सुनिए, 2 साल सांसद रहे दिनेश लाल निरहुआ, तो क्या इनके काम काज से संतुष्ट हैं? अभी तक तो कोई काम ऐसा हुआ ही नहीं, बस यही रोड फोर्ट का हवाई जहाज का यही सब काम हो रहा है। और कौन काम हो रहा है अभी, देखो जहाज भी आ रही है। तो फिर क्या लगता है कि अगर धर्मेंद्र यादव आएंगे तो कुछ करेंगे? सबसे बड़ा रोजगार तो ये है कि जब वैकेंसी मिलेगी, नौकरी चाकरी लड़के पाएंगे, कंपनी सब खुलेंगे, तभी तो रोजगार होगा। राशन मिल रहा है ना, खाई राशन तो धर्मेंद्र आएंगे या निरहू आएंगे, ये रोजगार राशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? राशन तो मिल रहा, वो तो 2000 रुपये वो भी मिला है, घर भी मिला, लेटरिन बाथरूम सब मिला, सब कुछ मिल गया, तो अभी और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। जोगिये मोदी खतवा में जात बा रसनवा ने, अरे ठीका पे जात हमें बेच के मने, ठीका पे जात है, ठीका पर से कहाँ जात है? फिर दोबारा उन्हीं के, उन्हीं की है, उन्हीं का कमाई है, वो अपने लाभ में राशन देत हमें जनता। जब बेचे तो पैसा मिला था ना? हाँ तब वही से खर्चा चल जाये, 5 किलो राशन से। लेबू मोदी जान? हाँ मोदी जान ले, मोदी नौकरी लाइकन के दे दे। हाँ जकरे दूठ लेकर रहने, हम तो मजदूरी करके ईंटा गारा दे के दोनों लैकन का 500-1000 रुपया अथवा 1000 रुपया लगल तो फार्म भरनी लैकन का, लैका गए पेपर देने, पेपर लीक हो गए, बोला अब 1000 रुपया हमार गए न, 6 महीना बाद तो फिर करवा कहे 90 करो न, तो चुनाव है। अरे चुनाव चूतिया बनावत हमें, अब करावे चूतिया बनावत है तब का ना कर रही है, 6 महीना बाद सरकार बोली है कि हम 6 महीने बाद निष्पक्ष करा दें, अब वे करा देते तो उनका फायदा। कहा चाचा कहा थे 10 दिन में सबके करा जाने, आपकी बाकी है तो मोदी जी वो करा देते हैं, जब लड़कवा नौकरी पा जाइए उनके माध्यम से तो उन्हें लड़कवा खुश हो के अपने आप नौकरियाँ देते हैं बिना उनका प्रचार कैले। हाँ नाराज है? नाराज कहे ना रही है चाचा, एक सवाल धर्मेंद्र या फिर निरहू? अब कौनो निर्णय ना, एक बोल दें कि धर्म नहीं, अभी देखा जाएगा अभी। चाचा मसाले में फंसे हुए हैं, आइए इधर भाई साहब हैं अंडा वाले, देखिए धंधा उंधा बढ़िया चल रहा है? कुछ नहीं बढ़िया चल रहा है, इतना महंगा है कोई खरीदने लायक नहीं है, क्या करें हम लोग, इतना महंगा 10 रुपये अंडा होगा? अरे हो गया तो पैसा तो लाना चाहिए जनता के पास, पैसा नहीं है।
नहीं है, जेब खाली खाली है। धर्मेंद्र यादव आज यहाँ उतर गए हैं क्षेत्र में। हाँ सही है, उतर गए हैं। क्या कहेंगे? हाँ धर्मेंद्र यादव सही है। निरहुआ नहीं? नहीं, इतना बढ़िया नेता है, फिल्म भी बनाते हैं, रहे हैं, गांव उजाड़ रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, वही नेता हैं। तो आप भी उड़ेंगे उसमें? कुछ नहीं उड़ना। मोहर मार दिए धर्मेंद्र को? हाँ मार दिए।